नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 सितंबर बुधवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के विरोधा गांव में पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के फांसी लगाने के बाद पति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण गृह क्लेश माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जाँच में जुट गई है। घर के अंदर विद्युत तार की चपेट में आने से 3 मासूमों की मौत हो गई। तीनों बच्चे सगे भाई बहन हैं। हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए देवगढ़ CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव धवलडी चोकड़िया थाना सिरियारी जिला पाली निवासी 7 वर्षीय वर्षा, 5 वर्षीय विकास और 3 वर्षीय वीरेंद्र घर के भीतर बने बाड़े में बकरी को बांधने गए थे कि अचानक विद्युत तार की चपेट में आने से झुलस गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए देवगढ़ CHC लाया गया, लेकिन तब तक तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया था। जयपुर जिले के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में एक बाबा की करतूत सामने आई है। जानकारी के अनुसार बीमारी ठीक करने के बहाने बाबा ने महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि विश्वकर्मा निवासी पीड़िता ने थाने में इंद्र कुमार नामक बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि कुछ वर्ष पहले बाबा ने उसे बीमारी ठीक करने का झांसा देकर आश्रम बुलाया, वहां आत्माओं का भय दिखाकर दुष्कर्म किया, बाद में अलग अलग बहानों से पैसे मंगवाए। अब पीड़िता की बेटी को आश्रम बुलाकर अश्लील हरकतें करने का भी पीड़िता ने आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि अब बाबा माँ बेटी को आश्रम नहीं आने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकियाँ दे रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्कूल फीस मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। जानकारी के अनुसार CJ इंद्रजीत महांती ने नॉन सिटिंग होने के चलते यह सुनवाई टाली है। अब मामले की सुनवाई कल गुरुवार को होगी। सरकार और अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर सुनवाई होगी। दोनों ने एकलपीठ के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। एकलपीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करने की छूट दी थी। मामले में संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति भी इंटरवीनर है। सीकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात से पैसा वसूल करने आए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 80 लाख की नकदी और लाखों रुपए के सोने की ठगी कर ले चुके हैं। आरोपियों ने 10वीं पास कराने के नाम पर ठगी का खेल शुरू किया था। आरोपियों ने जब फतेहपुर के रहने वाले परिवार को निशाना बनाया तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जोधपुर शहर में एक महिला को ससुराल वालों ने मंदबुद्धि बताते हुए जमकर मारपीट की। पति ने उसका सिर मुंडवाकर उसे घर से निकाल दिया। पति ने 3 तलाक की धमकी देते हुए दूसरी शादी करने की बात भी कही। महिला थाना पूर्व की प्रभारी निशा भटनागर ने बताया कि मामला बकरा मंडी इलाके का है। यहां एक महिला की शादी नासिर के साथ 1 साल पहले हुई थी। महिला के अनुसार शादी के बाद से ही पति उसके साथ जाति करने लगा था। ससुराल में मारपीट होने लगी। प्रताड़ना की प्रकाशता तो उस वक्त हो गई जब बाल काटकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने दहेज पर ताड़ना व मारपीट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया थाना पुलिस ने रुपए दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जयपुर से आई ATS की टीम ने नकली नोट बनाए जाने की सूचना पर गांव फतेहपुर में दबिश देकर 2 आरोपियों को पकड़कर संगरिया पुलिस के हवाले किया। आरोपी कागज की गट्टी के ऊपर व नीचे एक एक नकली नोट रखकर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 और 100 रुपये के नोट के आकार के कागजों की गड्डियाँ भी बरामद की हैं। ATS ने मौके से रविंदर सिंह व गुरविंदर सिंह को काबू किया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कोरोना काल में एक बुजुर्ग की मौत पर नियमों का उल्लंघन कर धूमधाम से उसकी शव यात्रा निकालना भीलवाड़ा शहर के एक परिवार को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने बताया कि शहर के सुभाष नगर थाना इलाके के लादूलाल श्रीवाल की मौत पर उसके परिवार वालों ने हाथी और बड़ी संख्या में लोगों के साथ ब्राह्मणों की कुएं से कोठारी नदी तक धारा 144 का उल्लंघन करते हुए धूमधाम से शव यात्रा निकाली थी। इस शव यात्रा के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सुभाष नगर पुलिस ने प्रसंज्ञान लेते हुए मृतक के 14 परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। खरीफ 2020 में दलहन व तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में हुई राज्य स्तरीय
स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इसे लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना ने कहा कि भारत सरकार से अनुमति मिलने पर खरीद शुरू की जाएगी। 25% के निर्धारित मापदंड के हिसाब से 12.22 लाख मीट्रिक टन उपज खरीद का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस खरीद के लिए 1,935 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी और रिवॉल्विंग फंड की जरूरत होगी। हैवानियत की शिकार हाथरस की दलित बिटिया का शव भारी सुरक्षा के बीच रात करीब 1:15 बजे गांव लाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा थी कि सुबह होने से पहले शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जबकि परिवार वालों का कहना था कि वह सुबह होने पर अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन पहले से ही आरोपी में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। यूपी की हाथरस पुलिस ने आरोप लगा है कि गैंगरेप पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार घर वालों की मर्जी के बगैर खुद ही कर दिया। अब उसका सबूत भी सामने आया है। लड़की की चिता सजाते और चिता को आग लगाते पुलिस वाले कैमरे में कैद हुए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.